करते हैं तो हमारे पास दो एमआरबी है, एक एमआरबी वन और एक एमआरबी टू। तो यदि एमआरबी वन काम नहीं करता है, तो एमआरबी वन काम नहीं करता है तो हमें क्या करना है? तो एचबी वन पैनल पर उसकी एमसीबी है 54 1/1, उसे चेक करो, और यदि ट्रिप है तो बीसीबी ओपन करके उसे रिसेट करें, और बीसीबी क्लोज करके सामान्य कार्य करें। जो ट्रिप है एमसीबी 54 1/1, एमआरबी वन काम नहीं करता है तो एचबी वन पैनल पर एमसीबी 54 1/1 को चेक करना है, और यदि एमसीबी ट्रिप है तो बीसीबी ओपन कर, एचबी वन की एमसीबी है तो बीसीबी ओपन करके उसे रिसेट करो, और बीसीबी क्लोज करके कार्य करना है। लेकिन एमसीबी 54 1/1 दोबारा ट्रिप होती है, एमसीबी 54 1/1 दोबारा ट्रिप होती है। यहां दोबारा का मतलब है कि बार बार ट्रिप होती है, भाई हम तो रिसेट किया फिर से ट्रिप हो गई, तो कोई ना कोई खराबी के कारण तो वो ट्रिप हो रही है। तो यदि वो दोबारा ट्रिप होती है तो हमें उसे रिसेट नहीं करना है, हमें उसे रिसेट नहीं करना है, उसे ट्रिप ही रहने दो, एमसीबी 54 1/1 को ट्रिप रहने दो और कार्य करते रहे। मतलब आपका एमआरबी वन काम नहीं करेगा, एमआरबी वन काम नहीं करेगा क्योंकि 54 1/1 ट्रिप है, तो एमआरबी वन काम नहीं करेगा। तो यदि एमआरबी वन काम नहीं करेगा तो आपको बताया था कि एमआरबी वन क्या काम करता था, कि बाहर से हवा खींचकर बर वन को ठंडा करते हुए, मतलब ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन को ठंडा करते हुए वो पूरे मशीन रूम में हवा फेंकता था। तो यदि एमआरबी वन काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि कभी आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन आइसोलेट हो जाए, तो आपको मैसेज मिल जाए कि भाई ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन आइसोलेटेड का, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम एंटर प्रेस करके गाड़ी चलाते रहेंगे दो कन्वर्टर से। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन आइसोलेट हो जाता है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे और टीएलसी को सूचित कर देंगे और लोगों के लॉग बुक में दर्ज कर देंगे, इतना ही काम हमें करना है यदि एमआरबी वन काम नहीं करता है तो। क्लियर। और दूसरा है कि यदि एमआरबी टू काम नहीं करता है, यदि एमआरबी टू काम नहीं करता है तो एचबी टू पैनल पर 54 1/2 को चेक करना है, और यदि ट्रिप है, यदि ट्रिप है तो वीसीबी ओपन करके उसे रिसेट करना है, और रिसेट करने के बाद वापस वीसीबी क्लोज कर दो। लेकिन 54 1/2 दोबारा ट्रिप होती है, 54 1/2 दोबारा ट्रिप होती है तो उसे भी ट्रिप रहने देना है, उसे भी ट्रिप रहने देना है, लेकिन हमें सावधानी पूर्वक लॉक सेक्शन क्लियर कर लेना है और टीएलसी को सूचित करके सहायता इंजन की मांग करनी है। कोई बता सकता है इसमें आपको सेक्शन क्लियर करके सहायता क्यों मांगनी है? इसमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल हो जाएगा सर, अगर वो कन्वर्टर है इसमें, अगर इसमें सही है, बिल्कुल सही बताया आपने कि भाई 54 1/2 ट्रिप होगी तो एमआरबी 2 नहीं चलेगा, और एमआरबी 2 नहीं चलेगा तो बर 2 ठंडा नहीं होगा, और बर 2 गर्म होगा तो आपके दोनों कन्वर्टर आइसोलेट हो गए, कन्वर्टर 2 और 3, तो वहां फैटल एरर आ जाएगी, वहां क्या आ जाएगा, फैटल एरर का मैसेज आ जाएगा, तो सेक्शन में आपकी गाड़ी जो है पेंटो डाउन, हाँ सेक्शन में आपकी गाड़ी फंस सकती है। तो उसके लिए क्या किया है कि यदि आपका एमआरबी वन काम नहीं करता है तो आप सिंपल एक बार एमसीबी देखो, ट्रिप है तो रिसेट कर दो, और दोबारा ट्रिप होती है तो ट्रिप रहने दो और गाड़ी चलाते रहो, ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन आइसोलेट हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यदि एमआरबी काम नहीं करती है तो आप 54 1/2 को चेक करो, और यदि ट्रिप है तो एक बार रिसेट करो वीसीबी ओपन करके, और यदि दोबारा ट्रिप होती है तो उसे ट्रिप रहने दो और
सेक्शन क्लियर कर लो एक बार सावधानी पूर्वक, और सेक्शन क्लियर करके गाड़ी को खड़ा करके आप टीएलसी से बात करो और सहायता मांग लो, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं है। आप यदि आगे चलो और वहां फैटल एरर आ गई तो आपको टीएलसी को सूचित करके क्या करना है, सहायता मांग लेनी है। तो ये दोनों टीएसटी जो है वो आपको पूछी जाती है एक ही नाम से। ऐसा पूछा जाता है एमआरबी काम नहीं करती है, तो वहां आपको अलग अलग लिखना है। एमआरबी वन काम नहीं करती है तो क्या करोगे, एमआरबी टू काम नहीं करती है तो क्या करोगे। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आप अपनी बुक में लिख लेना उसको। आज होमवर्क में आप में नहीं मिलेगा। हाँ